अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको इंजीनियरिंग कॉर्नर में एक अदद बोरोल के कप खोलने का तरीकाकार बताएंगे और इसकी स्लीव उतारने का तरीकाकार भी बताएंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये बोरोल है और इसको बनाना रोल भी कहा जाता है। तो इसकी हम जो है स्लीव उतारेंगे और उसके बाद इसके तमाम कप खोलेंगे मार्किंग करके। इसके कप तमाम कप खोलने का तरीकाकार हम बताते हैं आपको और इसकी स्लीव कैसे उतारी जाती है भी बताते हैं, क्योंकि इसकी स्लीव हमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। तो हम ये कप खोलने के बाद यहाँ से इसको हम नाइफ से इस स्लीव को पूरी को काट देंगे, क्योंकि हमारी स्लीव काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो चलें इसके कप खोलते हैं। ये बोरोल की स्लीव हमने काट के उतार दी है, ये आप देखेंगे ये मुकम्मल यहाँ से ऐसे हमने नाइफ से काटी है। इसको काट के हमने इसको अलग कर दिया। अगर आप इसको सेंटर में देखेंगे तो ये देखें आप, इसमें क्रेक्स आ गए। तो ये बोरोल की स्लीव मुकम्मल ख़राब हो चुकी थी, तो यही वजह है कि इसको हमने काट के उतारा है। ये इस तरीके से हमने यहाँ से प्लेट से हमने काटा है, देखें बिल्कुल इस तरीके से पूरा काट। ये कप आप देख रहे हैं, ये कप के जो स्क्रू हैं ये इस जगह पे स्लीव में यहाँ पर टाइट हो जाते हैं और ये स्टॉपर कप स्लीव का कहलाता है। इसे हम आपको भी चेक करवा दें। ये देखें इसके ऊपर ये कप इस तरीके से जो है ये इस पर लग जाता है, स्टॉपर कप होता है। तो ये स्क्रू जो हैं ये इसी में यहाँ से आप टाइट करेंगे तो ये रबर के अंदर टाइट हो जाएंगे, इससे ये स्लीव आगे पीछे शिफ्ट नहीं होती है। और अगर हम इसे यहाँ पर देखें तो इस जगह पे आप ये देखेंगे तो ये लॉक लगा होगा, ये सर्कलिप लॉक लगा हुआ है जो कि इस तमाम कपों को इसने रोका हुआ है। अभी हम आपको साफ करके मज़ीद दिखाते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये देखें ये सर्कल ब्लॉक जो है, ये सर्कल ब्लॉक लगा हुआ है और इसके पीछे ये बूच लगा हुआ है जिसे ये इसने रोका हुआ, पूरे कप को रोका हुआ है। आप ये देखें इसको आगे नहीं आने दे रहा। और इस कप के सेंटर में यहाँ पर बैरिंग लगा होगा। तो कुछ कप ऐसे होते हैं कि जिसके यहाँ पर बैरिंग लगा होता है और यहाँ पर बैरिंग लगा होता है, सेंटर में लॉक लगा होता है और यहाँ पर होल होता है जिससे हम एलन की स्क्रू जो है वो टाइट करते हैं। अगर आपकी बोरोल की स्लीव सही है, ख़राब नहीं हुई, आपके बोरोल के सिर्फ बैरिंग टूटे हुए हैं, तो आप ये स्टॉपर कप जब खोलेंगे, इसका आपने कप अलग किया तो ऐसे इस टाइप का आपने एक पाइप बनाना है जो कि इस जगह पे इसके न्यूमेटिक वॉल लग जाएगा और न्यूमेटिक फिटिंग 10 mm की लग जाएगी। आप इसको यहाँ से जब यहाँ जुबली क्लिप लगा के इसको आप टाइट कर देंगे और जब इसे एयर देंगे तो ये स्लीव इस तरह बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, मुकम्मल ये बाहर यूँ इस तरफ बाहर निकल जाएगी, बोरोल से उतर जाएगी। तो इस तरीके से इसकी स्लीव उतारी जाती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये स्लीव ख़राब थी तो इसे हमने काट दिया है। ये लॉक हमने निकाल लिया। ये लॉक हमने इसमें से खोल लिया। इसके बाद ये आपका कप आप देखेंगे, ये आपका आराम से बाहर आ जाएगा इसी तरीके से। जब आप सफाई करेंगे तो ये कप भी आपका इस तरह सारे कप इसी तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इनके लिए आपने सबसे पहले इसके ऊपर मार्किंग लाजमी करनी है, हर कप के ऊपर मार्किंग किस तरीके से करनी है वो भी हम आपको बताते हैं। ये लॉक निकालने के बाद आपने ये इसका स्पेसर निकालना है और इस पर एक नंबर की मार्किंग करनी है आपने। इस तरीके से एक नंबर की मार्किंग करनी है, उसके बाद इसके ऊपर आपने दो नंबर की मार्किंग कर देनी है और उसको आपने निकाल लेना है। करो इस पर आपने तीन नंबर की मार्किंग कर देनी है और इसे निकाल देना है। और ये चार नंबर हो गई और इसके बाद ये पांच नंबर और ये छह नंबर। इसी तरह से आपने तमाम कपों की मार्किंग कर लेनी है, टेप पहले से लगा लेना है, तमाम कप वन बाय वन करके आपने निकाल लेने और इनकी मार्किंग करते रहना है। जब टोटल मार्किंग हो जाएगी तो इसके बाद आपने सबके बैरिंग वगैरह चेक कर लेने। ये आप देखें यहाँ पर लॉक लगा हुआ था, एक ग्रुप डला हुआ लॉक। ये बोरोल को हमने मुकम्मल खोल लिया है, ये आप देख लेंगे इसकी शाफ्ट है और
ये इसके कपों के तमाम स्पेसर हैं जो कि नंबरिंग करके हमने एक जगह पे बांध दी हैं नंबरिंग के हिसाब से। और ये तमाम कप हैं इसके, आप इनको देखेंगे कि तो इन पर सब पे नंबरिंग हुई हुई है ताकि फिटिंग में आसानी हो। आपने इसी तरीके से नंबरिंग करके तमाम कप खोलने हैं। आप ये वाला कप देखेंगे तो इसका बैरिंग काफ़ी ड्राई है, इसमें पानी गया हुआ है इसके बैरिंग में, तो ये बैरिंग चेंज करना होगा। इसमें अगर आप देखेंगे इसमें थोड़ा प्ले है, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो देखें इस लॉक के पीछे एक स्पेसर आना चाहिए, लॉक ग्रुप थोड़ा सा दूर डला हुआ जिसकी वजह से ये प्ले कर रहा है, और इसका बैरिंग का आउटर साइज़ भी कट गया है, यानी कि कप का बोर साइज़ बैरिंग साइज़ कटा हुआ है, तो इसमें भी लर्निंग लगवानी पड़ेगी और फिर बैरिंग फिट होगा। इस तरह इसमें भी यही प्रॉब्लम है, इसमें भी देखिए चाल है, इसमें भी लर्निंग लगेगी और बैरिंग भी काफ़ी ड्राई है, बैरिंग भी इसका चेंज करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।